इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, नाम सुना होगा आपने, लेकिन ये होता क्या है? जो विद्यार्थी 2 या 3 साल से जेई की तैयारी कर रहे हैं उन सबको तो पता है कि इन्फॉर्मेशन जो ब्रोशर है वो क्या होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं इस फील्ड में, नए आए हैं जिन्होंने अभी अभी 12वीं की है, तो उनको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है कि इन्फॉर्मेशन जो ब्रोशर होता है वो क्या होता है। आज सुबह मैंने इसको लेकर एक वीडियो डाली थी कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो हिंदी में जारी कर दिया गया है, तो बहुत से स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है, ये नया शब्द जो है वो कहाँ से आ गया। तो आज की वीडियो में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो ब्रोशर जो है वो क्या होता है और इसमें किन किन, मतलब किन को इसमें एडॉप्ट किया जाता है, तो इसको लेकर देखेंगे। और जो हिंदी में इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जारी किया गया है उसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं वो PDF दिखाता हूं जिसको लेकर जो इन्फॉर्मेशन जो ब्रोशर मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो एक PDF है, जो JEE है, जो NTA है, आप जो इस JEE के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, NTA एक 70 से 75 पेजेस की PDF जो है वो जारी करती है, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों लैंग्वेजेस में जारी करती है। इंग्लिश में जो विदेशी नागरिकता के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और हिंदी में जो अपने भारत के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो वो अप्लाई करती है। अब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है इसमें होता क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आप देख सकते हैं ये IIT रुड़की का है, JEE एडवांस 2019 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। इसमें क्या दिया जाता है आप देखिए, सबसे पहले JEE की कुछ बेसिक डिटेल्स दी गई है अब की बार 2019 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर 75, यानी कि ये 75 पेजेस का टोटल है। इसको अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो क्या होता है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इसको आसानी से आप डाउनलोड करके ध्यान से पढ़िए, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। उसके बाद क्या है कि इसमें अब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है उसमें क्या क्या बताया जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में जो बताऊं, तो JEE की जो भी प्रोसेस है JEE को लेकर, JEE क्या होता है, IITs क्या होते हैं, IIITs क्या होते हैं, NITs क्या होते हैं, कैसे इनमें आपको सीट मिलती है, किस आधार पे सीट मिलती है, कितनी सीटें SC ST OBC जनरल या फिर महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है, इन सब की टोटल जो निचोड़ होता है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नंबर एक भाग है संस्था, इसमें क्या बताया गया है, नंबर एक भारतीय प्रौद्योगिक संस्था के बारे में, शैक्षिक कार्यक्रम जो होते हैं उनके बारे में, आरक्षित सीटों के बारे में, रक्षा सेवा अभ्यर्थी, विदेशी नागरिक जो उनके बारे में, महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत सीटों के बारे में, और अन्य संस्थाओं के बारे में। उसके बाद जो इसका भाग दो है उसमें परीक्षा को लेकर, भाग दो जो है वो परीक्षा को लेकर है, इसमें परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी हुई होती है, जैसे कि परीक्षा क्या होती है, कैसे होती है, JEE जो एडवांस है उसकी अनुसूची, JEE मेन 2019 क्या होता है, JEE मेन क्या होता है, उन 2019 के बारे में जानकारी दी गई है, और JEE एडवांस जो है उसमें शामिल होने के लिए पात्रता का मानदंड जो है वो क्या है, किस प्रकार से इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं, कितना इसका पंजीकरण शुल्क होता है, लिपिक की सेवाएं क्या होती है, पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं, प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र, परीक्षा प्रणाली जो कि आप सिलेबस की बात करते हैं, शहर एवं नगर जिन संस्थानों पर JEE का आयोजन होगा, महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, अभ्यर्थी के रिस्पॉन्स जो उत्तर कुंजी के कैसे दिए जाते हैं, रैंक सूची कैसे जारी होती है, और JEE एडवांस का परिणाम, और BR कार्यक्रम के लिए वास्तुकला योग्यता परीक्षा, जो BR कार्यक्रम वो है क्या होता है, उसके बारे में टोटल डिटेल्स इसमें दी हुई होती है। भाग तीन इसमें प्रवेश के बारे में बताया गया है, प्रवेश यानी कि कक्षा 12 के जो समकक्ष सामान्य परीक्षाएं, कक्षा 12 या समकक्ष बोर्ड परीक्षा में निष्पादन, संयुक्त सीट आवंटन, प्राक प्रवेश, प्रिपेरेटरी कोर्स पाठ्यक्रम। उसके बाद आगे इसमें क्या बताया गया, कुछ पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएं, बाकी आप देख सकते हैं कि टोटल
मतलब जेई से रिलेटेड जो कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं ना मन में, जितने भी आपके डाउट्स उत्पन्न होते हैं, वो आपको इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में कंप्लीटली आपके क्लियर कर दिए जाते हैं। मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू दिखाता हूँ, क्योंकि 75 पेजेस का अगर मैं ये पूरा आपको पढ़ के सुनाने लग गया तो लगभग मुझे लग जाएंगे 7 से 8 घंटे। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल NITs जो किस किस क्षेत्र में, जैसे पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सी ITs पढ़ते हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई है। ये शैक्षिक कार्यक्रम हो गया, उसके बारे में जो आपकी BTech BS BArch जो होती है वो कितने वर्षीय होती है उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताई गई, आरक्षित सीटों के बारे में डिटेल्स बताई गई है, ये कुछ वेबसाइट्स दी हुई है, ये विदेशी नागरिकता के बारे में बताया गया है, ये परीक्षा के बारे में बताया गया है कि परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा कब होगी, पेपर फर्स्ट कब होगा, पेपर सेकंड कब होगा, पेपर फर्स्ट सेकंड होता क्या है, कौन कौन सा इसमें सिलेबस रहता है, मतलब टोटल इसका निचोड़ जो है वो इसमें दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करना है और आराम से बैठ के पढ़ना है। ओनली डाउनलोड करके आपके आपको अपने मोबाइल में इसको नहीं रखना है, इसको पढ़ना भी है, क्योंकि डाउनलोड इसीलिए करें जब पढ़ना हो, अगर आपको नहीं पढ़ना, आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको डाउनलोड ना करें, कोई फ़ायदा नहीं अपने मोबाइल्स की स्टोरेज को भरने में, अगर आप पढ़ते हैं तो ही इसे डाउनलोड करें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को लेकर कुछ बेसिक जानकारी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता तो उनको हमने बताई। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो या फिर इन्फॉर्मेशन समझ में ना आई हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।